अपने दर्शकों को आज एक ऐसे रियल हीरो से मिलवाने के लिए लाए हैं जिन्होंने कहें कि जो लाइमलाइट में तब आए थे जब उन्होंने 5 करोड़ केबीसी में जीता था, जब कोई सपना होता था लोगों को केबीसी में जाने का, और तब से अब तक वो निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास कर रहे हैं केबीसी से भले ही उनको प्रसिद्धि मिली, और एक दिन में 126 जर्नलिस्ट को, यानी हमारे जैसे 126 पत्रकारों को देश विदेश के उन्होंने इंटरव्यू दिया, और रातों रात देश ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। नाम है सुशील कुमार, और वो सुशील कुमार क्या मुहिम चला रहे हैं और किस तरह के काम कर रहे हैं हम आज उसको दिखाएंगे, समझाएंगे, उनकी बातें सुनाएंगे, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और किस तरह से गुमनामी में रहकर बिना किसी प्रचार प्रसार के, बहुत रिक्वेस्ट पे हमारे वो तैयार हुए कि नहीं हम आप साथ चलेंगे और उनकी स्कूटी से हम ये सफ़र तय करेंगे, और क्या क्या करते हैं। चूँकि कोई अगर व्यक्ति कुछ पैसे किसी को मिल जाते हैं तो उसको लगता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन सोचिए 1, 2 नहीं 5 करोड़ रुपए आज नहीं कितने दिन पहले, यानी लगभग 1 दशक होने वाला है, और 1 दशक पहले 5 करोड़ रुपए मिले थे, उसके बाद भी वो न बदले, न उन्होंने कोई अपने दिनचर्या में परिवर्तन किया, और जो पहले थे शायद उससे भी सरल आज है सुशील कुमार, और हम आज उनके साथ ये सफ़र तय करेंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे, चंपा से चंपारण की बात करेंगे, जो वो मुहिम चलाते हैं लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसकी भी बात करेंगे, और गौरैया का जो घोंसला वो लगाते हैं यानी पर्यावरण संरक्षण, और गौरैया जो हमसे रूट गई है उसको तो हम लाइव दिखाएंगे ही ग्राउंड जीरो पर चल के, क्यों कैसे वो उस संरक्षण को करते हैं या वो गौरैया का घोंसला लगाते हैं। शुरू हो गई उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश जिसके यहाँ आज गौरैया का घोंसला लगना है। इसमें ये हथौड़ी है, हथौड़ी है, अच्छा। और ये काटी है, अच्छा, जो उसमें लगाना है। ये धान की बाली, अच्छा, गौरैया के लिए, तो ये, और ये उसका आसियाना है, घोंसला, और ये घोंसला है, और एक और चीज है पानी के लिए, ये पानी सबसे जरूरी है गर्मी के दिन में, अभी तो भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी, हाँ, तो इसमें तो और ज्यादा जरूरी है। सबको अरेंज कैसे होता है पूरा जो चीजें हैं इनको अरेंज करने का क्या वो है? अच्छा, उसको जगह बनाते जहाँ लगाना है, फिर वहाँ से नहीं, जैसे ये चीजें हैं अलग अलग जगह से इसको लाना पड़ता होगा, बाली अलग जगह से, तो वो उसको कैसे अरेंज करते हैं? उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे धान का मौसम आया तो हम अपने जो परिचित लोग हैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको दे दीजिए या फिर पैसे से खरीद लीजिए, अच्छा, और फिर हम अपने पिताजी के सहयोग से बनवाते हैं, और बनवाने के बाद ये हो गया, और घोंसला बनवाते हैं हम जहाँ प्लाईवुड से जहाँ घोंसला बनता है लकड़ी का उससे बनवाते हैं। और ये कहाँ के यहाँ से आता है जो पानी के लिए? बर्तन कहाँ के यहाँ, और ये हथौड़ी तो चूंकि ये ठोकने के काम आती है, यही है। चलिए भाई, तमन्ना जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप आ गए हैं, आपके यहाँ आज ये घोंसला लगना है, तो कैसे रिक्वेस्ट किया था आपने सुशील जी से? हमने रिक्वेस्ट किया, हमने देखा कि चंपारण के कोने कोने में ये अभियान इनका चल रहा है, तो हमने भी कहा कि हमारे यहाँ भी गौरैया को संरक्षण बचाव के लिए हमारे यहाँ भी एक घोंसला लगाया जाए। अच्छा, घोंसला अब लगने जा रहा है, और तो क्या लगता है, क्या महसूस होता है, कितनी खुशी हो रही, क्योंकि आज सुशील जी खुद आए हुए हैं आपके यहाँ घोंसला लगाने के लिए? बहुत खुशी महसूस होती है कि एक जानवर के लिए इन्होंने ऐसा अभियान चलाया है जो कि पर्यावरण के लिए काफी जरूरी है। गौरैया बचाओ अभियान इस पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। गौरैया तो हमारे आपके घर के एक समय शान होती थी जी, पर्यावरण के लिए या वो उसके लिए, तो अब खत्म हो गई है और खत्म हो रही है, अब ऐसे में इस मुहिम को किस तरह से आप देखते हैं? इस मुहिम को हमको लगता है इनके संरक्षण से काफी गौरैया का फिर आवागमन शुरू हो गया है,
और जगह जगह हम देख रहे हैं हमारे यहाँ भी गौरैया का आगमन है। और एक चीज और है, गौरैया के रहने से काफी सुकून शांति मिलता है और बरकत कहिए, मुनाफा कहिए, बिजनेस में वो भी मिलता है। चलिए, बिजनेस में मुनाफा कराना है तो गौरैया का घोसला, ये घोसला जो है वो जरूर लगाइए। क्यों सुशील जी? बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये काफी जरूरी है और हम एक इंसान होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों ने ही अनजाने में उनके आशियानों को नुकसान पहुंचाया है, पेड़ पौधे काटे हैं, हम लोगों ने नदियां दूषित की है। तो उसके अलावा पहले जो जिस तरह का घर होता था, अब हम लोगों ने घर में बदलाव किया जिसके कारण उनको रहने में, खाने पीने में सब में तकलीफ होती है। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए घोंसला लगाए, उनके लिए पानी रखें, उनके लिए दाना रखें, दाना भी रखेंगे, पानी भी रखेंगे, घोंसला भी लगाएंगे। अब उसको शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पास में ही चलना है, हम लोग को घोंसला लगाएंगे। चलिए तो अब जो है वो घोंसला लगाने की तैयारी है, यानी कि जो सुशील जी का प्रमुख अभियान है वो ग्राउंड जीरो से ये हम लोग दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से कोई व्यक्ति जब चाहता है, कोई समाज सेवा करना चाहता है और कितना निस्वार्थ भाव, कितना निश्चिंत भाव, कितना निश्चल भाव से और किस तरह से गुमनामी में, कि यह नहीं किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं और किसी को सुनाना नहीं, उसके बीच में अपना काम जो है साइलेंटली करते जाना। और शायद यही वजह है कि ये काम जो ऐसे होते हैं वो जब एक स्थिति में आते हैं तब दिखते हैं। और देखिए हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये घोंसला लगना है। लोग आ गए हैं, यानी कि सबसे टॉप फ्लोर है, वहाँ पर घोंसला लगाने की तैयारी है। अब पूरा हम लोग देखेंगे किस तरह से घोंसला जो है वो लगता है। क्या नाम है आपका? अमान बेन। अच्छा, कितना खुशी है घोंसला आज लग जा रहा है? पहले भी घोंसला लगाया हुआ था छोटा सा। अच्छा, लेकिन अंकल बताया कि हाँ हम लोग मतलब एक ये वाला घोंसला लगाएंगे, नया वाला घोंसला लगाएंगे। पहले से हमें लकड़ी के घोंसला एक लगाएंगे। अच्छा, तो उसमें भी चिड़िया वगैरह अंडा वगैरह दिया हुआ है, कबूतर। कबूतर जी, कबूतर इसमें। तब तो गौरैया का लग रहा है। गौरैया के लिए। चलिए देखिए, जहाँ घोंसला लग रहा है वो खुदा नगर मोतिहारी का है। और ये पूरा व्यू देखिए जहाँ पर हम लोग हैं, और ये पूरा मोहल्ला है, और यहाँ पर देखिए टॉप फ्लोर है, यहाँ पर घोंसला लगे, कुछ देर में ये पूरा वो बदल जाएगा और हम उसको भी दिखाएंगे किस तरह से घोंसला लगता है। लेकिन रियल काम कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो दिखाने, बताने और समझाने, ताकि लोग देखें और जानें कि आखिर किस तरह के काम जो है वो हो रहे हैं। घोंसला लगाने की प्रक्रिया अब सुशील जी ने शुरू कर दी है, और देखिए खुद ही जो है कील ठोक रहे हैं ताकि उसमें घोंसला लगाया जा सके। और वो हथौड़ी जो हमने दिखाया था, अब वो काम आ रही है कि कोई हथौड़ी का सही उपयोग क्या हो सकता है, सही काम क्या हो सकता है वो। तो ये कहते हैं कि अब जो है ये लग गया है। और देखिए एक और नए साथी है, क्या नाम है आपका? निशात आजम। अच्छा निशात आजम, क्या करते हैं भाई आप? हम LIC ऑफ इंडिया है। अच्छा LIC ऑफ इंडिया है, तो लोगों का जीवन का बीमा कर देते हैं आप? हाँ, भारतीय जीवन बीमा। तो ये तो चिड़ियों का बीमा हो गया, बेचारी उनका जीवन बच जाएगा। बीमा और चिड़ियों के संरक्षण के लिए पहले से मेरी बीवी भी बड़ा दिलचस्पी रखती है, दाना वगैरह पानी वगैरह सब डालती है। अच्छा, तो अब आज नया एक वो देखिए, अब बाली आपके इसमें लग गई है, धान की बाली जो है वो सुशील जी ने लगा दिया है। अच्छा, जब देखते हैं रियल हीरो का रियल काम, सुशील जी एक तरह से रियल हीरो की तरह काम कर रहे हैं, चाहे चंपा का पौधा लगाना हो और चाहे घोंसला लगाना हो। देखिए घोंसला अब लग गया है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, तुरंत घोंसला जो है ये। अब सुशील जी ये बताइए कि घोंसला तो आपने हमको लगता है कुछ सेकंड भी लगा दिया, मिनट भी नहीं लगा है? तो ये चार चीज है जो आप लेके आए थे, वो चारों चीज अब ये इसका पानी कहीं रखा जाएगा? आप रखिए निशात जी, अब पानी इसमें रखिए। अच्छा, तो पानी के लिए चारों चीज यहाँ पे आ गई, कांटी भी लग गई, घोंसला भी लग गया और ये भी लग गया पानी। और देखिए पानी जो है अब पानी भर के वो रखा जाएगा, तब एक कंप्लीट जो है वो हो गया कि ये घोंसला लगने की जो प्रक्रिया है। और ऐसे ही ये रोज का रूटीन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना घंटा इसमें देते हैं? दो घंटा। हाँ, एक और बात हम आपके माध्यम से सबसे कहना चाहेंगे कि कोई फुल टाइम जॉब नहीं है सोशल वर्क, हर आदमी के जीवन में एक घंटा दो घंटा होता है। अगर सब लोग सोसाइटी के लिए एक घंटा दो घंटा निकाल दे, जैसे पौधा लगा दे, जैसे घोंसला लगा दे, या कुछ जागरूकता अभियान जिससे समाज का भला हो,
वो कर दे, कुछ अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल दे जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले। वो जिस फील्ड में है और लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसमें जो करियर बनाना चाहते हैं उसको बता दे, तो ये सोसाइटी का इससे बहुत भला होगा और हमारा एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। कोई 24 घंटा देने की जरूरत नहीं, मैं मैक्सिमम 2 घंटा देता हूँ और इसी में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। चंपारण में हम लोगों ने 80,000 से अधिक पौधे लगाए, गौरैया संरक्षण में हम लोगों ने लगभग 7,000 से अधिक घोंसले लगाए। ये सब 2 घंटा में हुआ, लेकिन लगातार पिछले 4 साल में मैं बिना रुके बिना थके। तो इसीलिए आपके माध्यम से हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि 2 घंटा समाज के लिए जरूर दे, समाज बेहतर होगा, हम जरूर बेहतर होंगे। ये हमारा दायित्व है, अगर हम पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो जरूर समाज को इतना वक्त देना चाहिए समाज के भले के लिए।